बैक टू एनसीजी से। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेंसेस का थर्ड चैप्टर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। आज आप जानेंगे कि क्यों आपसे कहा जाता है स्पीकिंग में कि शैल का यूज खत्म हो गया। आपसे अक्सर कहते हैं कि शैल का यूज खत्म हो गया है, जो आप कहीं कोचिंग में एडमिशन लेते हो स्पीकिंग के लिए, क्लासेस ज्वाइन करते हो, तो आपसे कहते हैं विल पढ़ लो, शैल की जरूरत नहीं है। तो क्या शैल सच में खत्म हो गया है या शैल को हमने अपनी जरूरत के हिसाब से हटा दिया है? तो आज की वीडियो में ग्रामर में भी समझ में आएगा क्यों शैल और विल में फर्क है, और उन बच्चों को भी जो स्पीकिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं तो क्यों हम शैल के बिना काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट है क्या, यानी आने वाले वक्त में होने वाले काम जो होते होंगे उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में सिखाया जाता है जिनके आगे गा गी गे, पर याद रखिएगा गा गी गे जब फ्यूचर की बात होगी जब भी आएगा। ठीक है, कभी कभी गा गी गे प्रोबेबिलिटी के लिए भी होता है, वो आगे मॉडल्स में सीखेंगे, वो पढ़ रहा होगा इसको कैसे बनाएंगे, पर आज बताऊंगा तो थोड़ा सा जो हमारे स्टूडेंट शुरुआत से जुड़े हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज हम सिर्फ सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे और बात करेंगे विल और शैल की। जो बच्चे बिल्कुल अभी शुरुआती स्टेज में है तो उन्हें ये बता दूं कि शैल आई और वी के साथ आता है और ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड वी हम विल लगाते हैं। पर क्या बात होती है कि हम आई के साथ भी विल लगा लेते हैं या यू के साथ शैल लगा लेते हैं। अब यू के साथ शैल जो लगाते हैं वो तो ग्रामर के कंपटीशन वाले बच्चों के लिए है, आपको जरूरत नहीं है स्पीकिंग में यू के साथ शैल बोलने की। तो इसके लिए हम समझेंगे, देखिए चार बातें, डी पी टी ए, तो मैं इसको डी पी टी ए करके पढ़ाता हूं अपने स्टूडेंट्स को। डी पी टी ए चार रूल, मतलब चार चीजें हैं, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को जब क्लास में पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि डी पी टी ए का रूल है। तो डी पी टी ए क्या है, डी से डिटर्मिनेशन, टी से प्रॉमिस, टी से थ्रेड और ए से एडवाइस। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ इच्छा या पक्का इरादा, पी से प्रॉमिस यानी वादा, टी से थ्रेड यानी धमकी, ए से एडवाइस मतलब सलाह। अब जब किसी सेंटेंस में इन चार में से एक बात होती है तो हम आई के साथ विल लगा देते हैं, हम आई के साथ विल लगा देते हैं। जरा ध्यान से देखिए, कोई भी सेंटेंस जब हम बोलते हैं, आपने एक बात कही मैं पुस्तक पढ़ूंगा, अब ये तो आप जानते हैं कि आपका पक्का इरादा है या नहीं है, तो आप क्या बोलते हो, आई विल रीड द बुक, आई विल रीड बुक। देखिए आप जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आई, विल शैल में से एक हम विल ले आए, हमसे कहा गया शैल भूल जाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, और क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट, जो चीज पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, आई विल रीड द बुक। क्लियर, तो सुनने वाले को लगेगा शायद आपका दृढ़ निश्चय है किताब पढ़ने का, इसलिए आप विल बोल रहे हो, तो विल भी सही हो जाएगा। और अच्छा करना है तो हम बोल देते हैं आई रीड द बुक, मेरे वर्ड सुनिए, आई रीड द बुक। तो ये जब आई बोला तो विल और शैल दोनों ही आ गया, तो आई रीड द बुक, सुनने वाले को अब वो शैल अंडरस्टूड है या विल है वो खुद समझ जाएगा कि कुछ शैल है के विल है, एक तरीका तो ये है। पर जो अभी बिगनर्स हैं उनको आई साउंड प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो सिर्फ कह सकते हैं आई विल रीड द बुक, तो आई विल रीड द बुक, तो ये किस में आ गया, फ्यूचर में आ गया, किस में आ गया, डिटर्मिनेशन में आ गया। अब दूसरी चीज देखते हैं, आई विल सी यू, मैं तुझसे निपट लूंगा, मैं तुझसे निपट लूंगा, ये धमकी दे रहे हो तो धमकी के लिए भी विल आ गया। यहां सी का मतलब देखना नहीं है, सी की एक मीनिंग
निपटना भी होती है। याद रखिए, मैं आगे आपको एडवांस ग्रुप में आके बताऊंगा कि सी की एक मीनिंग होती है निपटना, एक मीनिंग होती है देखना, एक मीनिंग होती है दिखाना, ठीक है, और एक मीनिंग होती है मिलना। तो चार मीनिंग हो गई सी की, और भी है, फिलहाल चार याद रखेंगे, देखना, दिखाना, मिलना और निपटना। तो यहां धमकी दे रहा है, तुझसे निपट लूंगा, आई विल सी यू, ठीक है। दूसरा सी का अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आई विल सी द डॉक्टर, आई विल सी द डॉक्टर। अब क्या आप डॉक्टर से निपटेंगे? नहीं, इस सी का मतलब है डॉक्टर को दिखाऊंगा, आई विल सी द डॉक्टर। मैं डॉक्टर को देखूंगा नहीं, डॉक्टर को दिखाऊंगा। तो दिखाने के लिए भी मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, इस पे सेपरेट वीडियो लाऊंगा। जब मैं स्टेटिव वर्ब पढ़ाऊंगा, आप एडवांस ग्रुप की तरफ बढ़ जाएंगे, तो उस टाइम बताऊंगा ये सी की मीनिंग क्यों बदल रही है और क्या है। अभी तो सिंपल फ्यूचर सीख रहे हैं, तो हमें पता ये चला सिंपल फ्यूचर में के गा गी गे आ रहा है, और फ्यूचर में आई के साथ विल और शैल दोनों आ जाता है, पर हम स्पीकिंग के लिए विल की जगह शैल का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। पर ग्रामर में शैल का इस्तेमाल करने कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, आगे हम सीखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब इसके फॉर्मूले पर एक बार फिर नजर मारते हैं। तो एफर्मेटिव होता है तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव यानी वो वाक्य जिसमें हाँ आता है। इस पर डिटेल में वीडियो बना रखी है, एक बार फिर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी है। निगेटिव वाली ना वाले, सब्जेक्ट प्लस विल शैल में से कोई एक, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉन्ट, वॉन्ट, और शैल नॉट को शांट। तो वॉन्ट और विल नॉट में फर्क क्या है, तो इसी की शॉर्ट फॉर्म। पर कब हम स्पीकिंग में वॉन्ट बोलेंगे, कब हम विल नॉट बोलेंगे, फिर ध्यान से सुनिएगा जो बिगनर्स हैं। विल नॉट जब बोलते हैं बेटा, जब हमें नॉट पर स्ट्रेस करना होता है, जोर देना होता है, ताकि सुनने वाला नॉट को जोर से सुन ले। मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। अब नहीं पे जोर देना है तो तोड़ के बोलेंगे, क्या कहेंगे, आई विल नॉट डू दिस वर्क। बोलने पे भी ध्यान दीजिए, आई विल नॉट डू दिस वर्क, आई विल नॉट डू दिस वर्क। गुस्से में हो, नहीं करूंगा ये काम, तो विल और नॉट हटा के बोल दिया। सिंपली कहना है तो आप कहेंगे आई वॉन्ट डू दिस वर्क, आई वॉन्ट डू दिस वर्क, नहीं करूंगा मैं ये काम। तो विल नॉट को एक साथ बोल दिया, यहां ना पे तुम गुस्से में थे, ना पे जोर देना था, तो वॉन्ट बोल दिया, आई वॉन्ट, आई विल नॉट बोल दिया, जब अलग जोर देने था, सुनने वाला नॉट जोर से सुन ले, आई विल नॉट डू दिस वर्क, क्लियर। तो ये फर्क है वॉन्ट और विल में। अब इंटेरोगेटिव देखिए, मैंने इंटेरोगेटिव अलग से बताए थे, फिर कह रहे हो एक बार देखिएगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, तो देखो हेल्पिंग वर्ब विल शैल लिया है। सब्जेक्ट लाते हैं, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ये याद कर लीजिएगा, सब्जेक्ट का काम देगा। सब्जेक्ट लाते हैं तो सब्जेक्ट हर किसी में बदलेगा, प्लस माइनस नॉट जब जरूरत है लगाएंगे, जब जरूरत है नहीं लगाएंगे। वर्ब लाते हैं तो वर्ब कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है। इसी तरह से जब डिस्क्रिप्टिव यानी विवरण वाले सवाल बनाते हैं, तो सबसे पहले WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड लाते हैं, वो लिया है, हर किसी में बदलेगा। फिर हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, देखिए विल शैल आ गया। सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट आ गया। नॉट लाते हैं, नॉट आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। ये हो गए हमारे फॉर्मूले। अब कुछ सवाल बना के हम ट्रांसलेशन पे करेंगे, उसके बाद एक एक्सरसाइज छोटी सी करेंगे कॉम्पिटिशन में आने वाली, और उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे और अगली वीडियो पर मिलेंगे। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जो हम रोजमर्रा में बोलते भी हैं, और उनको इन DPTA में देखते हैं कहाँ ये फॉलो कर रहे हैं।
मैं आज विद्यालय जाऊंगा। अब इसका एक सेंटेंस आई के साथ शैल भी बन सकता था, ठीक है, पर आपसे जब कह दिया हमें विल में कंफ्यूजन होता है, हम विल को नहीं बोल पाते, वो शैल को नहीं बोल पाते, तो हमने हो सकता है तुम पक्के इरादे के साथ विद्यालय जाने की बात कर रहे हो। आई विल गो टू स्कूल टूडे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हो सकता है ये भी तुम्हारा कोई वादा हो किसी से, तो आई विल नॉट टेल अ लाई, आई विल नॉट टेल अ लाई। देखो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर वर्ब, फिर सॉरी, फिर मॉडल यानी विल शैल, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए आई सब्जेक्ट, विल आ गया, नॉट की जरूरत थी नॉट लगा लिया, टेल हो गया वर्ब और अलाय हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई विल नॉट टेल अलाय, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, ये भी एक वादा है। तो क्या हो गया, आई विल नॉट चीट यू, और शॉर्ट में बोलेंगे आई विल नॉट चीट यू, आई विल नॉट चीट यू, आई विल नॉट चीट यू, तो आई विल की आवाज आ जाएगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, क्या देखिए क्या है। तो इसका क्या फॉर्मूला था, क्या वाले का, अभी आपको बताया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाओ, सब्जेक्ट लाओ, प्लस माइनस नॉट लाओ, वर्ब लाओ, ऑब्जेक्ट लाओ। क्या कि हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं आती, सीधा जो सवाल जिसका हेल्पिंग वर्ब होता है वही क्या की मीनिंग ले आता है। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है इसमें, विल, तो सबसे पहले हम इसकी जगह विल लाए। सब्जेक्ट कौन था, तुम, मदद कौन करेगा, काम करने वाला कौन है, तुम, तो यू, नॉट नहीं था नहीं लगाएंगे। वर्ब क्या है, मदद करना, मदद करने की इंग्लिश हेल्प, किसकी मदद, मेरी, विल यू हेल्प मी। अगला सवाल क्या है, तुम दिल्ली कब जाओगे, तो यहां सवाल बीच में आया, बीच वाले में जो डब्ल्यू एच फैमिली होती है उसमें पहले लाते हैं। अभी फॉर्मूला बताया, एक बार फॉर्मूले से मैच कर लीजिएगा, व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, विल यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली कब जाओगे। अब आपका टास्क ये है कि इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस आपके दिन भर में आते हैं, मैं आज जाऊंगा, खाना खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो कुछ सेंटेंसेस बनाइए अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने रिश्तेदारों के साथ। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो बनाइए, और फिर कुछ सेंटेंसेस दूंगा मैं आपको कंपटीशन में, किस टाइप से आप इसको पहचानोगे, तो उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। तो देखिए अगर कंपटीशन में ऐसे आ जाए कि आई डैश बाय दिस मोबाइल एट एनी हाउ, मैं ये मोबाइल खरीदूंगा चाहे जो हो, एट एनी हाउ का मतलब होता है चाहे जो हो, या हर हाल में, हर हाल में, हर हाल में मैं, तो ये देखिए डिटर्मिनेशन की तरह इशारा कर रहा है, और डिटर्मिनेशन में विल आता है। आई नॉट चीट यू नो मैटर व्हाट, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, नो मैटर व्हाट का मतलब है चाहे जो अंजाम हो, चाहे, तो ये भी किस चीज पे इशारा कर रहा है, वादा पर, तो वादा करने में आई विल नॉट चीट यू, क्लियर। अब ये पांच सेंटेंसेस हैं, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, राम पुस्तक खरीदेगा, मैं कल तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे, वे यहां क्यों आएगा। तो इस सेंटेंस को बनाइए, कल वीडियो की लास्ट में, अगली वीडियो की लास्ट में इन पांचों को बना के मैं आपको बोर्ड पे दिखा दूंगा। पहले अपने पास से कोशिश कीजिए, फिर अगली वीडियो की लास्ट में पिछले होमवर्क, आज से अगली हर एक वीडियो पिछली वीडियो की जो होमवर्क है वो आपको मैं बोर्ड पे लिख के दिखा दिया करूंगा, आप अपनी कॉपी खुद चेक कर पाएंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।